छोड़ के ज्ञान पर जो आधारित हो चुका है, कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो गया है, उसको परिचित हो गया उससे, और जो परमात्मा का सतनाम जाप करता है वो प्राणी सुखी होगा, वो प्राणी सुखी है और होगा, और उसी को मोक्ष होगा। भाई तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो, सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, जिन ये रहा चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो।
परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप बताने के लिए अपने सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और हम प्राणियों को याद दिलाते हैं कि ये सुख सथल नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही आग जो आप के लगी हुई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और इसी अग्नि से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अंदर अंदर जलता रहता है। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अपने आत्मा वो जो सुख हम तलाश कर रहे हैं वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड में है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, वहां पर ऐसा ही जीव है, ऐसा ही जीवन है। वहां पर 84 लाख योनियों नहीं है, केवल मानव सदृश जीवन है। वहां पर हमारा ऐसा ही केवल एक मानव जाति ही वहां पर है, अन्य प्राणी नहीं है, और वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। वहां इच्छा रूपी विमान आपके पास होगा, जैसे आपकी इच्छा होगी कि हम वहां जाएं तो 1 सेकंड में आप वहीं पहुंच जाओगे। वहां ऐसी व्यवस्था, आप प्रत्येक के पास आध्यात्मिक उपलब्धियां होंगी। सदाबहार वृक्ष है वहां पर, सदाबहार फल फ्रूट, अमृत आहार है सारा, अमृत सरोवर है वहां, जल भी अमृत है। जैसे गंगा जल है, ये एक झलक है उस पर सतलोक की, परमात्मा के सतलोक से ये ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मलोक से फिर ये इस विष्णु के लोक में आई, फिर शिव के लोक में आई, और शिव के लोक से फिर ये नीचे आई है। तो वहाँ से आते आते भी इसमें, यहाँ इस गंदे लोक में आके इसमें बहुत फर्क पड़ गया है अमृत जल में, लेकिन अब भी ये अद्वितीय जल है पूरे विश्व में, इसके बराबर कोई भी वाटर नहीं है। आज तो आप जी को ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उपलब्ध है। कलयुग के लास्ट में गंगा और जमुना सूख जाएंगी, ये उल्टी ऊपर को दूसरे लोकों में चली जाएगी। तो उस समय आगे के जो जीव होंगे मनुष्य, ये कथा मात्र रह जाएंगी कि कोई ऐसी दरिया थी जिसका जल कभी खराब नहीं होता था। और कोई अविश्वास किया करेगा, कोई विश्वास किया करेगा, कोई ना करेगा कि झूठ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जल तो खराब होता ही होता है। और आज आपके समक्ष है, तो ऐसा आहार है उस सतलोक का। ये एक परमात्मा ने एक सैंपल दे रखा है आप जी को। ये जो नकली पंथ हैं जो कहते हैं कि सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां पर आत्मा और उस परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में एकम एक हो जाते हैं, ये सब ये इनकी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनका अनुभव नहीं, इनका कोई, इनको ज्ञान भी ठीक नहीं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल अपने आप गलत होता है। तो पुण्यात्माओं, यदि ऐसा हो कि वहां कुछ भी ना हो तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने में, सपने में भी ना बने चाहे कितनी बात बनाता हो आदमी। अब कोई कहे कि समुद्र में छलांग लगा जाओ कल्याण हो जाएगा, इतना मूर्ख कौन है समुद्र में छलांग लगा देगा, प्रत्यक्ष दिखे डूब के मरण वाली बात। और फिर भी श्रद्धालु वहां जुड़े बैठे हैं क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु भी अंधा और शिष्य तो अंधे होते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान ही गुरु से लेना होता है। अंधे की बाँ गही अंधे ने मार्ग कौन बतासी, तो ऐसे वो संत भी ज्ञानहीन अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो सुख नहीं है। क्या बताते हैं कि वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड के अंदर है,
उस सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न आप जी ने करना चाहिए, उसकी विधि सत्संग में बताई जाती है। सचखंड में सतलोक में जाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, वो सत्संग में ही बताई जाती है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए होए पुण्यात्माओं, ये शब्द कह देना आसान है लेकिन इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है कि 21 ब्रह्मांड में भी कोई सत्संगी नहीं है। तीन लोक और भवन चतुर्दश, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और ये 14 लोक और हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरियां, 88,000, ये वो भी एक ग्रुप बोला जाता है, ब्रह्म लोक, दुर्गा का लोक, इसका काल का अलग से एक स्थान है, ऐसे ये 14 भवन नीचे के साथ पाताल को छोड़कर 6 और लोक हैं। तो ये 14 लोक बताए जाते हैं। परमात्मा कहते हैं तीन लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, और इन 14 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी का अर्थ होता सच्चे ज्ञान युक्त प्राणी, जिनको भक्ति का यथार्थ ज्ञान हो, सृष्टि रचना की जानकारी हो, किसी को भी नहीं। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। अपुणात्मा, ये एक ऐसी कड़वी सच है, ऐसा कड़वा सच है कि हम हैरान रह जाते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था? नहीं था। इस कंसेप्ट को अभी क्लियर करते हैं। पहले प्रसंग चल रहा है कि तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। जो पूरी पृथ्वी के शासक हैं, जहाँ सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का जो शासक है, कहते हैं उससे भी मैं खूब परिचित हूँ, उसको भी स्वप्न में भी सुख नहीं। क्या बताते हैं कि घाटे बाद दे सब जग दुखिया। घाटा मीन आनी होगी किसी को बिजनेस में, बाधा मीन लाभ हो गया। जिसको आनी होगी वो तो अंडरस्टूड है, वो तो दुखी है ही है। जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी है? जैसे आपको बेनिफिट हो गया 2,00,000 का, और फिर आप क्या करोगे? यू कॉल टेकन ना दे, 20,00,000 के काम को स्टार्ट कर देगा। कोई ऐसी फैक्ट्री लाऊंगा, पुराना प्लांट लगाता हूँ, और उसमें 90% 70% लेगा लोन, और वो 2,00,000 का बेनिफिट भी उसके अंदर। आगे फिर उसकी इतनी चिंताएं बढ़ जाएंगी, रात ने भी नींद आनी हराम हो जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। ये जितने भी शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, जो परमेश्वर कबीर जी की साधना को छोड़कर, सत साधना को छोड़कर, सतनाम का जिसके पास नाम मंत्र नहीं है सच्चा और पूरे गुरु से प्राप्त नहीं है, उसको छोड़कर जितने भी साधक हैं, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है और शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, भक्ति कौन सी है, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से जो सदग्रंथों में साधना लिखी है, वे ऑफ वर्शिप बताई है,
वही करनी चाहिए और नहीं करना।